अस्सलाम वालेकुम, रफ़ी के जायके में आप सभी को खुश आमदीद। तो आज हम बनाने वाले इराकी सीख कबाब। तो इराकी सीख कबाब बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो लोग मर मसाले खाते नहीं हैं, एकदम सिंपल है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा कीमा। मैंने 150 ग्राम हमने कीमा लिया है। अभी सिर्फ हमने इसको खाली कीमा किया है, इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं है। अब हमें इसके अंदर डालना है जो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह एक जार लेना है और जार के अंदर क्या करना है, कुछ जैसे मेरा 150 ग्राम मैंने बताया है कि कीमा है, तो ये करीब करीब 50 से 60 ग्राम मैंने ऑनियन इसके अंदर डाल देना है। इसको क्रश करना है, पीसना नहीं है। और उसके बाद इसका फिर पानी निकाल देना, थोड़ा इस तरह टमाटर लेना, ये भी कम से कम 40 ग्राम है, इसको काट के बड़ा बड़ा और उसके अंदर डाल देना है। तो स्ट्रेन कर लेना है, इस तरह आपको पूरा पानी निकाल देना है। तो ये जो हमने इसका पानी निकाल दिया है, वो अभी इसके अंदर आपको डाल देना है और इसी के अंदर ये कीमा आपको डालना है। तो हमने जो डाला है वो आपको बताया, ऑनियन और टमाटो का क्रश डाला है हमने, उसको पानी निकाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, ये ब्लैक सॉल्ट। मिर्ची ये लोग खाते नहीं, मिर्ची बिल्कुल रहेगा नहीं, थोड़ा सा नमक के लिए मिर्ची और एक चुटकी धनिया पाउडर। ये हो गया हमारा मसाला। और अभी इसके अंदर हम डालेंगे ये हरी धनिया और अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी इसके अंदर आपको भर देना है। तो वो लोग जो लगाते हैं वो पट्टी वाली जो स्क्यूअर जो होता है चौड़ी वाली, उसके अंदर लगाते हैं। तो इस तरह दबा के वो डिज़ाइन बन जाता है। और हमें, हमारे पास फूल नहीं है तो हम सरिया स्क्वायर है, हम उसी में लगा देते हैं, बाकी आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये डाल दिया हमने, अब इसको कम से कम तो 5-7 मिनट लगेगा, तब तक इसके साथ और क्या देना है वो डाल देना। तो इस तरह ये प्याज काटना है आपको, इक्का दो कर देना है और टमाटर भी इस तरह आपको इक्का दो कर देना है। और इसके बाद में ये 3 मिर्ची है हमारे पास, इसको भी इसी के अंदर आपको लगा देना है। इस तरह आपको इसके अंदर ही लगा देना है, उसके बाद सेक डालते हैं। सीख कबाब के साथ ही ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, तो हो चुका है। थोड़ा सा टमाटर को भी दाग लग जाए और उसके बाद इंशाल्लाह हम डाल देते हैं। सीख भी लमसम हमारा हो ही गया है। तो ये मेरा स्टार्ट रेडी हो गया है, तैयार हो गया सीख कबाब। अब निकाल देते हैं खरगोश, ये अरबी खरगोश है और इसी के ऊपर हम निकाल देते हैं पहले हम सीख कबाब। और ये हो गया, बस ये हमारा तेरा की सीख कबाब कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा हमने खाली चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा ब्लैक पाउडर डाल दिया और ये मेरा इराकी सीख कबाब बन के रेडी हो गया। बस इसी तरह आपको सर्व करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा इराकी सीख कबाब। तो ये हमारा रेसिपी कंप्लीट हुआ है, फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।